इस फिल्म के अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो आप सोच भी नहीं सकते। आजकल की इस दौड़भाग वाली जिंदगी के अंदर लोग एक दूसरे में फैमिली से कितना कट गए हैं। तुम कॉलेज जा रही हो फैशन शो में? अरे तू झटके कपड़े पहन लेती ना। बाप क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, बेटी क्या कर रही है किसी को पता नहीं, बीवी क्या कर रही है किसी को पता नहीं, जो क्योंकि वो हर एक अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तीन चार फ्रेंड साथ में जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। इसी तरह की एक स्टोरी है जो हर घर में हो रही है और हो सकती है, वो दिखाया गया है इस फिल्म में। एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमारे बच्चों में जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो वो करना चाहते हैं, आप उन्हें करने दीजिए। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसे दबाने की कोशिश करेंगे, तो पता नहीं फिर वो कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लें और गलत राह पर निकल जाए, तब क्या होगा। इसलिए उनकी भावनाओं को समझें और वो क्या करना चाहते हैं आगे उसको महसूस करें और उसको उसमें आगे बढ़ने में मदद करें। इस फिल्म के अंदर एक बुरे पहलू को भी दिखाया गया है। यह ज़रूरी नहीं कि यह हर जगह होता हो, हम ऐसा नहीं कह रहे फिल्म इंडस्ट्री गंदी है या ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा भी होता होगा, हो सकता है या नहीं भी होता है, लेकिन वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं ताकि लोग उससे होशियार रहें और अलर्ट होकर के इस इंडस्ट्री के अंदर आएँ और अपने को इन सब चीज़ों से बचा करके रखें। देखिए, जो लोग गलत होते हैं वो किसी लाइन में भी हों, वो गलत ही काम करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री तो मुफ्त में बदनाम है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर बस तंगापना है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और आपकी बगैर मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे हीरोइन नहीं बनना, आई नीड मनी फॉर माई फैमिली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा होगा, अगर पता होता तो मैं कभी नहीं आती, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आपको खुद सही रहना पड़ेगा और अगर आप खुद ही गलत हो गया करके और गलत राह पे चल पड़े तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अगर आपका टारगेट सही रहेगा तो सही तरह से निकलते चले जाएंगे आप। हाय गाइस, जब यह फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो लड़कियाँ इंडस्ट्री के अंदर आई थी हीरोइन बनने के लिए, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने गलत राह पकड़ी कि नहीं पकड़ी, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी।